दिल दहला देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले निठारी कांड को भला कौन भुला सकता है। बच्चों से लेकर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाले और उन्हें जमीन में दफनाने वाले नरपिशाचों को मौत की सजा मिली है। दरअसल सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी कांड के आरोपी उद्योगपति मोइंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही फांसी के साथ साथ कोर्ट ने दोनों पर 35,000 का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब एक तरफ जहां न्याय की गुहार लगाने वालों के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं आरोपियों के चेहरे पर मातम छाया हुआ था। आपको बता दें कि लोगों के होश उड़ा देने वाले निठारी कांड 2006 में दुनिया के सामने तब सामने आया था जब 21 साल की लड़की पायल अचानक से गायब हो गई थी, जिसके चलते जांच में पुलिस को पंडेर और उसके नौकर कोहली का सुराग मिला। लेकिन तफ्तीश में निठारी कांड का वो खुलासा सामने आया जिसने लोगों का दिल दहला दिया। दरअसल इलाके के जो बच्चे गायब हो रहे थे उसके पीछे कोहली का हाथ था। कोहली बच्चों का अपहरण कर दानव की तरह उनके शरीर के अंगों को खाता था, तो वही मासूम लड़कियों का अपहरण कर उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बनाता। कोहली के इन घिनौने का नामों में अगर उसकी कोई मदद कर रहा था तो वो था उसका मालिक पंडेर। दोनों ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद शवों को कोठी में ही दफना देते थे। हत्या, रेप और सबूत मिटाने के आरोप में कोहली को 7 बार फांसी की सजा मिल चुकी है, तो वहीं पंडेर को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।